गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। रीड करते क्वेश्चन क्या है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी कंटिजेंट है उसमें कितने मेंबर्स है, 616 मेंबर्स है। इस टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, उसको मार्च करना है किसके बिहाइंड में, एक आर्मी बैंड में, और आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स कंसिस्टेड, 32 मेंबर्स कंसिस्टेड थे। The two groups are to march in the same number of columns. दो ग्रुप्स एक साथ मार्च करेंगे, लेकिन उनके कॉलम्स के नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। Then what we have to find, अपन को क्या फाइंड करना है, What is the maximum number of columns in which they can march? ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने जिसमें वो क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। So in this type of question we have to find the HCF. इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन को क्या काम फाइंड करना रहता है, HCF फाइंड करना रहता है। लेट्स स्टार्ट, अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो इट, हम जानते हैं 32 क्या है, लेस देन है किससे, 616 से लेस देन 32। वी हैव टू फाइंड द HCF, अपन को HCF फाइंड करना है 616 का और 32 का, अपन को HCF फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट एस यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स एल्गोरिथम से अपन क्या जानते हैं, a is equals to bq plus r, okay? So अपन HCF find करेंगे, सिंपली करेंगे, जो bigger value होगी अपन उसको अंदर रखेंगे और smaller value को बाहर रखेंगे, okay? Let's start, 32 ones are 32, subtract करेंगे 5 हो जाएगा और ये 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 5 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे और ये 6 नीचे आ जाएगा 296, इंटू करेंगे 32 इंटू 8 सा कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा, ओके okay? ये अपन ने सॉरी 9 सा 288 होता है, 9 टू 18 9 थे 28 हाँ 9 सेपरेट करेंगे वापस, ये एट हो जाएगा, ये 8 16 से 8 जाएंगे 8 अब होंगे मेरा, ये मेरा। अपन स्टेप्स लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं अपन 616 को, 616 को अपन लिखेंगे 32 इंटू 19, 32 क्वेश्चन इज 19 प्लस रिमाइंडर इज 8, ओके नाउ अब अपना क्या होगा, ये 32 इधर है तो ये इधर आ जाएगा, अपन वापस फाइंड करेंगे 8 फोर जा 32 ये 0, अपन को कितना मिला, रिमाइंडर 0 मिला। तो अपन अगेन 32 को कैसे देख सकते हैं, 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0। अब हमको क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड द HCF, और अपन को पता है कि अपन को HCF फाइंड करना रहता है, तो इस पूरे डिवीजन मेथड में जो सबसे लास्ट फैक्टर होता है और अपना जो सबसे इस पूरे डिवीजन में जो लास्ट स्टेप का फैक्टर होता है वही क्या रहता है, अपना HCF रहता है। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8, अपना आंसर क्या आया 8, और क्या हुआ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज, क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच द मैक्सिमम नंबर कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज 8, और 8 अपना क्या हो गया आंसर, ओके आई होप यू अंडरस्टैंड।